हाइट तो आ रहा है आगे एक एक लास्ट बस ना एक मोहतरमा कुछ बना रही हैं हम देखते हैं क्या बन रहा है ये यू कैन हैव इस तरह के रिक्शा चलते हैं हम सब ना यहाँ आए हुए ये सब ना राइड कर रही है सब कुछ तो गाइस यहाँ ना ऐसे एक बहुत अच्छी बात है जो इंडिया में शायद मुझे कहीं नहीं दिखी मैं ना फिलहाल निकल चुका हूँ बाहर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कैसे रहता है सिचुएशंस कैसे आप टूर बुक कर सकते हो जो ना मैंने देखा जो यूट्यूबर्स होते हैं सोलो बैकपैकर्स होते हैं या फिर बजट में भी चल रहे होते हैं दे डोंट गो टू लाइक मैनी शॉप्स एंड आस्क पीपल मेरे तो इंडिया जैसा हाल लग रहा है नेपाल लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है नेपाल आ गया हूँ बट देखते कैसे रहता है सिस्टम यहाँ का भी फिलहाल देखते कुछ खाने को कि क्या होता है खाने में भी यार सिटी ना बहुत प्यारी अभी इनका लूनार लिया निकला था मेरा वीज़ा थोड़ा सा लेट हो गया सामने इनका काफ़ी सारे बढ़िया बन रहे हैं और ये खाने पीने की प्लेसेस मुझे ना ऐसी भी ला रही है कि सारे के सारे अंग्रेज सिर्फ हमारे हॉस्टल में हैं मैं गली में निकला हुआ हूँ घूमने मुझे कोई नहीं दिख रहा यहाँ पे इंडियन में दिख रहा सारे अपने नॉर्थ ईस्ट के लग रहे हैं पर इट इज़ व्हाट इट इज़ फिलहाल देखते क्या करना है कर की थोड़ी सी करेंसी भी एक्सचेंज करवानी है थोड़ा सा हिसाब भी करना है क्या है कल हलोंग बे का टूर भी बुक करना है देखता हूँ कहीं और से सस्ता हो गया तो हो गया वरना यहीं से कर लेंगे हलोंग बे का टूर बुक तो भाई यहाँ ना टेम्पल है ये इज़ अ टेम्पल एंड यहाँ कोई भी शूज़ नहीं उतारता यहाँ पे इनके यहाँ ऐसे जाते हैं अंदर क्या है भाई व्हाट शी इज़ गिविंग इट्स आवर फूड आशीर्वाद आई एम जस्ट लुकिंग एट इट What is me? I'm just thinking, what is this? क्या सीन है? जा जा बोल रहा हूँ। चप्पल लोगे? भाई ये जगह अच्छी है यार। ये टेंपल है, हम सब के तो हाथ जोड़ रहे हैं और पैसे भी चला रहे हैं। हम सब ना यहाँ आए हुए हैं ये सब ना राइड कर रही है सब कुछ हाँ अरे ये न्यूज़ ये तो इन्होंने मुझे को बताया वी आर राइटिंग ऑन न्यूज़ पेपर फॉर द पीसफुल न्यू ईयर तो इट्स गुड गुड तो ये ना यहाँ राइड कर रहे हैं सबको दे दे रहे लाइक ये सर भी यहाँ लिख रहे हैं कुछ ही इज राइडिंग समथिंग तो गए साल के इस समय में यहाँ पे लोग अपने थॉट्स लिखते हैं कागज़ के ऊपर और इसको आगे जाके जैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में अपने शेयर करते हैं थॉट्स ये एक न्यू ईयर के इनके रिचुअल होता है कि अपने जो मन में बातें वो लिखो और आगे जाके करो ताकि एक पीसफुल न्यू ईयर बन सके लूनर ईयर जो होता है इनके यहाँ पे इसके बाद चलते हैं आगे कुछ खाने पीने यहाँ ना एक मोहतरमा कुछ बना रही हैं हम देखते हैं क्या बन रहा है ये Smart? 20. Pong. And two. Taste. Yes. Sample. Sample. Taste. Yeah. Sample for taste. Okay, this is for tasting only. किसका नंबर दे दो? कुछ तो है ये. Smart. Thank you. यहाँ एक बंदा और मिल चुका है क्या नाम है शिवम भाई शिवम और ये भी दिल्ली से है और पूरा हनोई घूम चुका है कैसी लगी जगह ठीक है बढ़िया है भाई हनोई तो अच्छी है आना चाहिए हनोई तो आओ मैं तो कह रहा हूँ लिट्टी चोखा तो नहीं है लिट्टी मिल रही है कैन यू टेक मी वन पकड़ियो मिट्टी है यार वही टेस्ट है इनका सेम है ये लीची है यहाँ की गाइस ये मैन जो पीड़ी आ रही है सेम है अंदर से ब्लू सो गाइस अभी ना हम घूमते घुमाते काफ़ी प्लेस घूम रहे हैं यार मज़ा आ रहा है अच्छी प्लेस है एक वाइब होती है जब आप किसी नई प्लेस में तो कुछ हो ना हो बकचोदी देने में बड़ा मज़ा आता है तो फिलहाल ना हम आए हुए हैं अभी फिलहाल नोट कैफे में इसको देख के देखिए बात याद आती है बनारस का ब्लू वाला लस्सी हाउस उसका नाम कहता है बनारस का ब्लू वो बहुत ओवर प्राइस था मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ क्या है सेम नोट लिखना है अपना नाम लिखना है और आ जाना है काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ नोट लिख रखे हैं भैया ये
कोकोनट बेस्ट सेलर इजी रेसिपी दिस इज नोट कैफे ओके गेट मेक इट वन यस सर कैन यू डू कार्ड यस सर ऑफ कोर्स यस मुझे है पूरा नोट कैफे यहाँ सब जगह ना नोट लिख रखे देखो सामने का व्यू है तो गाइस मैंने भी यहाँ एक नोट लिखा हुआ है फोन है एंड कोकोनट कॉफ़ी ली है मैंने भी ली सबने और व्यू ये व्यू है देखा जाए तो अच्छा है ठीक है 300 रुपए की कॉफ़ी वर्थ इट है या नहीं आई डोंट नो बट दिस इज़ इट काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ है ट्राई करनी चाहिए अगर किसी भी प्लेस पर जाओ पहले मैं कहीं भी घूमता था सब ट्राई नहीं करता था बट अब मुझे लगता है कि किसी भी जगह जाओ वो सब करो एक लास्ट थैंक यू सो मच बाय बाय तो गाइस दिस इज वन ऑफ द लेक एंड क्या नाम है इस लेक का क्या नाम है इस लेक का चीन माओ लेक और ये सामने नोट कैफे है उसके पास ही पड़ती है और अच्छा है मौसम यहाँ भी आप आए तो ये भी देख सकते हैं ये भी बिल्कुल शिलोंग के हमारी एक लेक है शिलोंग उसकी जैसी दिख रही है अंकल जी यार आइए तो गाइस इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करवाएं एयरपोर्ट से ना करा के लोकल जो शॉप्स होती है ज्वेलरी शॉप होती है हर एक कोने कोने में शॉप्स है पूरे वियतनाम के अंदर कहीं से भी करेंसी एक्सचेंज कराएं और जो आपको करेंसी एक्सचेंज का रेट मिलता है वो मिलता है INR से 282 एक रुपये का और 25220 एक डॉलर का आई थिंक डॉलर में पैसे कन्वर्ट करवाना ज़्यादा ईजी है और आप जब कभी भी कन्वर्ट करवाते हो मेक श्योर 100 डॉलर्स का बिल लेके आओ आपको और भी ज़्यादा बेटर रेट मिलता है तो गाइस यहाँ ना वैसे एक बहुत अच्छी बात है जो इंडिया में शायद मुझे कहीं नहीं दिखी हमने इनमें से किसी भी वॉशरूम में बहुत बार जाके हम यूज़ कर चुके हैं रेस्ट रूम और कोई कुछ नहीं बोलता जैसे यस यू आर वेलकम एंड कम देयर मैंने ये चीज़ एक बार दार्जिलिंग में ट्राई की थी और मेरे को मतलब बहुत बुरा लगा था हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी होटल में घुस जाओ और यू कैन यूज़ देयर रेस्ट रूम काफ़ी अच्छी बात है फिलहाल ना अभी कॉफ़ी पी है पेट ऑलमोस्ट भर रखा है मनी एक्सचेंज कराए अभी 100 डॉलर देखते काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप सा है यहाँ पे डॉलर चेंज रहेगा हाय इन्होंने ऑर्डर कर दिया वन स्पाइसी चिकन वन नॉन स्पाइसी एंड वन वेजिटेबल ओके भैया ये लिए भैया दिस गाय इज सेइंग आई हैव टू गो टू थाईलैंड थाईलैंड बिग अप वियतनाम सी यू अराउंड मैन सी यू लेटर मॉम नाइस टू मीट यू यस तो गाइस ये तो वही पार्ट वाला अभी हमने एक किक और लिया यहाँ पे एग बन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है एंड हाउ शी इज मेकिंग इट एंड दिस इज ऑल द वेजी यू कैन हैव स्पाइसी ये पूरा सब्वे टाइप का है पूरा ऑल एंड यू विल एंजॉय इट यू आर मेकिंग एग बर्गर एग यू आर मेकिंग एग 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 हाँ देखिए वीडियो दिस इज माई आर्स सॉरी दिस इज आर हाय इस तरह के रिक्शा चलते हैं ये जैसे आप देख रहे हो ये एंजॉयिंग इट भाई हमने ना ये लिए मैं सिर्फ नहीं गया मैंने खा भी लिया मैं शी मेक इट कम ऑन मैन कम ऑन आई डोंट ईट पोर्क और और ये फ्लर्टिंग कर रहा है या चलो आओ हेलो आई शुड गेट नंबर 9 ओके लाइक इट लेट्स गो हाय हाय गुड से हाय हाय डियर हाय हाय This 100k I'm giving as a deposit. Yep. You will give me back yep. when I give this back. Yep. Okay.